नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों के बीच स्थित हरिद्वार में लोग देश और विदेश से पहुंचते हैं। इस शहर में एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। जी हाँ, हरिद्वार से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई है। खबर ऐसी कि सिर्फ सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाए। यहाँ एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप करने वाले ने पहले बच्ची को मारा, फिर आरोपी ने बच्ची के शव के साथ रेप किया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक इंसान एक बच्ची को, एक 6 साल की बच्ची को मार सकता है और मारने के बाद उसके शव के साथ रेप कर सकता है। ये घटना हरिद्वार के श्यामापुर इलाके की है। 26 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी पास का ही एक सिक्योरिटी गार्ड बच्ची को बहला फुसला कर दूसरी जगह ले गया। वहां उस हैवान ने पहले बच्ची को मारा, फिर उसके शव के साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। बच्ची के गायब होने की खबर सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बच्ची की खोजबीन शुरू की। बच्ची जिन बच्चों के साथ खेल रही थी उसी में से एक बच्ची ने गार्ड के बारे में पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में खोजबीन शुरू की, जिसके बाद बच्ची की लाश अर्धनग्न अवस्था में जंगल में मिली। मौके पर पुलिस को कई सबूत मिले। सबूत की मदद से ही और बच्ची के बयान के बाद पुलिस इस आरोपी गार्ड को पकड़ने में कामयाब हो गई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर उसने खुद ही पूरी घटना की जानकारी दी। SSP जनजय खंडूरी ने मीडिया को बताया, बच्ची के साथ खेल रही एक बच्ची ने हमें बताया कि वो आखिर बार आरोपी के साथ देखी गई थी। आरोपी ने अपने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सोनी है, जो पहले बच्ची को फुसलाकर चिड़ियापुर इलाके के जंगल में ले गया। वहां उनसे जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बच्ची शोर मचाने लगी, जिसके बाद सोनू ने बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने बच्ची के साथ रेप किया। मामले के खुलासे होने के बाद पुलिस ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि सोनू के साथ कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो मौजूद नहीं था। बच्ची के माता पिता एक मजदूर हैं जो मूलतः बिजनौर से हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी सोनू पास के ही एक पोल्ट्री फार्म में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और ऐसी हैवानियत भरी, दरिंदगी भरा काम उसने कर दिया।